नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री आज पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से पूरे देश में शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर इस संवाद के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर 2+2 संवाद के बाद आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। दोनों देशों के बीच ये तीसरा 2+2 संवाद है। बातचीत में परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट। 2+2 संवाद से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले 4 वर्ष के दौरान दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने प्रौद्योगिकी और प्रतिभा प्रवाह के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र दोनों देशों के बीच विशेष संबंध का आधार है और दोनों पक्षों को इसे और विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि दोनों विदेश मंत्रियों ने मौजूदा वैश्विक स्थिति और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। एशिया में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। डॉ जयशंकर और श्री पोम्पियो ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और क्वाड देशों के संदर्भ में हुई बातचीत की समीक्षा भी की। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, मुक्त संपर्क और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला पर भी चर्चा हुई। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने ट्वीट में कहा कि उनकी बातचीत सार्थक रही और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत से भारत अमरीका रक्षा संबंधों और आपसी सहयोग को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को कई गुना गति देने वाली शक्ति साबित होगा। भारत ऊर्जा फोरम का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा पूरी दुनिया को नई शक्ति देगी। फ्रेंड्स, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ए सेल्फ रिलायंट इंडिया विल ऑल्सो बी ए फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। एनर्जी सिक्योरिटी इज एट द कोर ऑफ अवर एफर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे प्रयासों में प्रमुख है और देश के ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित, उद्योग और पर्यावरण अनुकूल साबित होगा। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा तक सबकी सुलभ और भरोसेमंद पहुंच होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब सामाजिक आर्थिक बदलाव लाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को मजबूत करने की दिशा में सर्वाधिक सक्रिय प्रयास करने वाले देशों में है। 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावाट बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक इसे 450 गीगावाट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य औद्योगिक देशों की तुलना में भारत में कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सुधार यात्रा पिछले 6 वर्ष में तेज गति से आगे बढ़ी है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं।
India's energy map will have 7 key drivers. The drivers of change are accelerating our efforts to move towards a gas-based economy, cleaner use of fossil fuel, particularly petroleum and coal, greater reliance on domestic source to drive biofuels, achieving the renewable targets of 450 gigawatt by 2030, increasing the contribution of electricity to decarbonize mobility, moving into the emerging fuels, including hydrogen, digital innovation across all the energy systems. There will be continuity of these robust energy policies that have been in place over the last 6 years. सरकार ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड और गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत घरेलू उड्डयन की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से विकसित हो रहा विमानन उद्योग है। श्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा वैश्विक समुदाय के प्रति दायित्वों और वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पीएम स्वनिधि योजना इस वर्ष 1 जून को कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार खो चुके गरीब स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका फिर शुरू करने के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 24 लाख से अधिक लोगों के आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 12 लाख से अधिक आवेदन मंजूर किए गए हैं और लगभग 5,35,000 रूपये के ऋण बांटे भी जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम प्रदेश के सभी 651 स्थानीय निकायों में आयोजित किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए लाइव टेलीकास्ट के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले इस योजना पर आधारित एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में लगभग 7 लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों की पहचान की गई है, जिसमें से 6,40,000 ने स्वनिधि योजना के तहत कर्ज के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार ने उसमें से लगभग 3,62,000 दुकानदारों के आवेदन स्वीकृत कर दिए थे और इनमें से 3 लाख के करीब दुकानदारों को आज ऋण वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के 5 लाख दुकानदारों को इस योजना का लाभ दिलाने का है। राज्य को इस योजना के तहत तीनों श्रेणियों आवेदन स्वीकृति और लोन के वितरण में पहला स्थान मिला है। देश भर में इस योजना को लागू करने वाले टॉप 10 शहरों की सूची में प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी, जिससे बांग्लादेश के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय यातायात तेज तथा निर्बाध रूप से शुरू हो जाएगा। इन राजमार्गों से त्रिपुरा में विभिन्न पर्यटन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों के लिए बेहतर संपर्क, त्वरित और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलने से पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इन राजमार्गों के बन जाने से लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र के अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 जनजातीय कल्याण उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के 150 गांवों और 30 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में पहले प्रयास के रूप में इसकी शुरुआत होगी। इस योजना में जनजातीय युवा प्रशिक्षण लेकर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में काम करेंगे। देश ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कोविड से अब तक 71 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का 90% से भी अधिक है। उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 11 गुना अधिक है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,53,000 सक्रिय मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 8% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 832 लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमित होने वालों की संख्या अब 3,59,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 3,27,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 736 लोग स्वस्थ हुए और 54 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में मृतकों की संख्या 6312 हो गई है। इस समय दिल्ली क्षेत्र में 25,786 लोग संक्रमित हुए हैं। बिहार में कोविड 19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 94.97% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 4.97% अधिक है। संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर कम हो रही है। विभिन्न अस्पतालों में इस समय 9,639 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,087 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं, जबकि 513 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक 2,02,000 से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हुए हैं। गुजरात में कोविड 19 रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 1,102 रोगी ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 908 नए मामले सामने आए। संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार दूसरे दिन 1,000 के नीचे रही है। राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,68,081 हो गई है। राज्य में अब तक 57,93,000 लोगों का कोविड 19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। कल संक्रमण के सबसे अधिक 228 नए मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 173 नए मामले सामने आए। इस वक्त राज्य में 13,738 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 61 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 4 लोगों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,693 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना परीक्षणों की दरों में बदलाव किया गया है। यहां जांच की दर 200 रुपए तक कम कर दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड जांच कराने वालों की संख्या बढ़ाने और आम लोगों को समय पर इलाज के लिए अधिक राहत देने की कोशिश की जा रही है। नई दरों में लैब में की जाने वाली जांच की दर अब 980 रुपए होगी। वहीं कोविड सेंटर, अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर में की जाने वाली जांच की दर 1400 रुपए और घर जाकर नमूने लेकर की जाने वाली जांच के लिए ये दर 1800 रुपए तय की गई है। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आ रही है। कल लगातार 12वें दिन स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। कल 3,130 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 8,05,947 हो गई है। दूसरी तरफ 8,715 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 7,19,558 हो गई है। तमिलनाडु में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है और ये 29,268 हो गई है। कल 2,708 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जो कि पिछले दिन संक्रमित हुए लोगों की संख्या से कम है। तमिलनाडु में कोविड की जांच कराने वाले लोगों की संख्या 93,28,000 से अधिक हो गई है। इन जांचों में आरटीपीसीआर किट का प्रयोग किया जा रहा है। कल एक दिन में 75,000 लोगों की जांच हुई, जिनमें से 2,708 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 24 जून की संख्या के लगभग आसपास है, लेकिन अंदर केवल उतना है कि 24 जून को केवल करीब 20,000 लोगों की कोरोना फैलने का अनुमान लगाने के लिए जांचों की संख्या का पता होना महत्वपूर्ण है। जय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत और अमरीका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री आज पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से पूरे देश में शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। Okay.
बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में राज्य के 16 जिलों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना महामारी के बीच देश का पहला आम चुनाव इस बार बिहार में हो रहा है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। कोरोना रोगी आखिरी एक घंटे में मतदान कर सकते हैं। संक्रमित लोगों के लिए विशेष प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड के साथ मतदान होगा। मतदाता थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मतदान कर सकेंगे। हर वोटर को एक बार इस्तेमाल होने वाला दस्ताना पहनकर ही मतदान करना होगा। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 की जगह 1,000 मतदाताओं के लिए वोट डालने की व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे से पहले पूरा कर लिया जाएगा। 71 निर्वाचन क्षेत्रों में से 35 सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। नक्सल प्रभावित 4 निर्वाचन क्षेत्रों चैनपुर, नबीनगर, कुटुम्बा और रफीगंज में दोपहर बाद 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 5 अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे तक होगा। नक्सल प्रभावित शेष 26 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट पड़ेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए हवाई निगरानी के वास्ते हेलीकॉप्टरों को भी सेवा में लगाया गया है। 2,14,00,000 से अधिक मतदाता 1,066 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में 8 कैबिनेट मंत्रियों प्रेम कुमार, राम नारायण मंडल, जय कुमार सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, शैलेश कुमार, संतोष कुमार निराला, विजय कुमार सिन्हा और ब्रज किशोर बिंद के भाग्य का भी फैसला होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत लद्दाख वासियों की पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अटूट विश्वास दर्शाती है। एक ट्वीट में श्री शाह ने विकास और खुशहाली चुनने के लिए लद्दाख के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के 6ठे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल घोषित 26 परिणामों में से 15 सीटों पर जीत दर्ज की। 9 सीटों पर कांग्रेस और 2 अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज शुरू होगा। सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार संसद से हाल में पारित कृषि कानूनों को बेअसर करने के उद्देश्य से संशोधन विधेयक पेश करेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने कल छत्तीसगढ़ कृषि उत्पाद बाजार संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को मंजूरी दी थी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत, समृद्ध भारत। प्रत्येक वर्ष सप्ताह भर का ये आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में विदेशी कार्य क्षेत्र में छानबीन की चुनौती, वित्तीय समावेशन में सुधार और बैंक धोखाधड़ी पर अंकुश, प्रभावी लेखा परीक्षण, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, एजेंसियों के बीच समन्वय, आर्थिक अपराधों की नई चुनौतियां तथा साइबर अपराध और संगठित अपराधों पर विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के दौरान नीति निर्माताओं और इन्हें क्रियान्वित करने वालों को प्रणालीबद्ध सुधार और प्रभावी उपाय लागू करने पर विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। देश प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। जयंती समारोह अवसर पर आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से सरदार पटेल के चुने हुए भाषणों के अंश प्रसारित कर रहा है।
हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है, हम सब एक माँ बाप के परिजन है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। रेलवे ने मुंबई में विशेष उपनगरीय रेलगाड़ियों में वकीलों और उनके पंजीकृत क्लर्कों को यात्रा करने की अनुमति दे दी है। वो आज से मुंबई में विशेष उपनगरीय रेलगाड़ियों में यात्रा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए आईपीएल की तर्ज पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर स्वच्छता को लेकर अपने अभिनव प्रयासों के लिए जाना जाता है। उसे अब तक चार बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के लिए पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर चार टीमें बनाई गई हैं। प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के लिए चार टीमें बनाई गई हैं। इनमें पूर्व क्रिकेटर संजय जगदाले, अमय खुरासिया और नमन ओझा के अलावा प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी को संरक्षक बनाया गया है। वहीं टीमों की कप्तानी शहर के चार लोकप्रिय रेडियो जॉकी को सौंपी गई है। इंदौर नगर निगम के 19 जोन को इन चारों टीमों में बांटा गया है। प्रतियोगिता में मुकाबले के लिए टीम के कप्तान रेडियो जॉकी को अपने रेडियो स्टेशन से नागरिकों को अधिक से अधिक प्लास्टिक दान करने के लिए प्रेरित करना होगा। प्लास्टिक जमा करने के लिए इन टीमों को निगम कर्मी और पांच पांच वाहन भी दिए गए हैं। 45 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जो टीम सबसे अधिक एकल उपयोग प्लास्टिक इकट्ठा करेगी उसे पीपीएल ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पॉल ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक करना है। इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बांग्लादेश में दुर्गा प्रतिमाओं को नदियों, तालाबों और जलाशयों में विसर्जन के साथ ही पांच दिवसीय दुर्गा पूजा का त्यौहार संपन्न हो गया। पूजा समारोह 22 अक्टूबर से शुरू हुआ था। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस दोपहर बाद शुरू हुआ और बूढ़ी गंगा में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। दुर्गा पूजा बांग्लादेशी हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पूरे देश में श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। कोविड लॉकडाउन के बाद से भारतीय टीम का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा। इससे पहले लॉकडाउन के कारण दक्षिण अफ्रीका के साथ घरेलू सीरीज बीच में ही रोक दी गई थी। बोर्ड के अनुसार चयन समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग प्रारूप की तीन टीमों के चयन के लिए बैठक की। भारत ऑस्ट्रेलिया से तीन 2020, तीन एक दिवसीय और चार टेस्ट मैच खेलेगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजहां में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब ने 18 ओवर और 5 गेंदों पर 2 विकेट खोकर 150 रन की जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में तापमान 2 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आसमान साफ रहने और तापमान 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब नवीन बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रियंका, भारत और अमरीका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच आज होने वाली 2+2 वार्ता पर सभी अखबारों की नजर है। जनसत्ता ने लिखा है, सैन्य सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे भारत और अमरीका।
दैनिक जागरण ने दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशल कॉपरेशन बीका समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबर देते हुए लिखा है, इससे भारत को अमरीका के अत्याधुनिक नौवहन और वायुसेना से जुड़े जरूरी साजो सामान की आपूर्ति होगी आसान। दैनिक भास्कर का कहना है, आज चीन की घेराबंदी का फार्मूला लॉक होगा। राजस्थान पत्रिका ने रक्षा प्रमुख अध्यक्ष जनरल विपिन रावत का बयान प्रकाशित किया है, सेनाएं लद्दाख में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रहे तैयार। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, तिरंगे पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर नाराज पार्टी के तीन नेताओं ने इस्तीफा दिया। प्रदूषण का दम घोटने के लिए कानून, नवभारत टाइम्स के अनुसार केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा, चार दिन में पेश करेंगे मसौदा। दैनिक भास्कर ने टीआरपी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व सही, हमारी चिंता शांति और सद्भाव है, रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी निभानी होगी। दैनिक जागरण और अमर उजाला की खबर है, बच्चों की अकेले जिम्मेदारी उठा रहे सरकारी पुरुष कर्मचारी भी बाल देखभाल अवकाश के हकदार, दिव्यांग बच्चों के लिए अवकाश अब किसी भी उम्र तक। हिन्दुस्तान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के दाखिले 2 नवम्बर से शुरू होने की खबर दी है। राष्ट्रीय सहारा ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है, सकारात्मक शिक्षकों में भारत का दुनिया में 6ठा स्थान। इस महीने 2 पूर्णिमा, शनिवार को ब्लू मून। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, अक्टूबर में दूसरी बार दुर्लभ पूर्ण चंद्रमा दिखेगा। एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है, तो ऐसे में दूसरे पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहा जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री आज पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से पूरे देश में शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।